सीट में 25 फरवरी 2023 की इवनिंग की शिफ्ट थी, उसमें प्रश्न कौन कौन से डिलीट किए गए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे है। तो डिलीटेड क्वेश्चन 1 से 40 तक की सीरीज में 45, 49, 65, यानी कि A1, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E और 6F। A1 में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान GK है, और GK RTE एंड एजुकेशनल ये 2B में है, साइंस मैथ 3C में, और ET SCI एंड मैथ्स 4D में, और ET साइकोलॉजी 5E में, और IT 6F में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से इसके 6 पार्ट थे रीट मेन एग्ज़ाम के। अब डिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो ज्योग्राफी का था उसमें क्वेश्चन डिलेट हुए थे 1 से लेकर 40 तक में कोई भी, ये सेट है @$$($)/%, तो ये सेट के नाम है, कौन सा तुम्हारा सेट था। तो 1 से लेकर 40 तक के में यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान GK, इसमें एक भी प्रश्न डिलीट नहीं किया था, सारे के सारे निल हैं, यानी कि पूरी के पूरी सीरीज यानी कि जितने भी सेट थे उन सब में सारे प्रश्न ओके हैं, एक भी डिलीट नहीं किया। और जो GK है 2B सेक्शन, इसमें 41 से लेकर 65 क्वेश्चन थे सभी सेटों के, तो इसमें 3 प्रश्न डिलीट किए हैं। तो अलग अलग सीरीज में यानी सेट में अलग अलग उनके क्रमांक है, तो @ क्रमांक के क्वेश्चन है 45, 49, 65। तो इसी तरह से सारे, तो 3 प्रश्न यहाँ से डिलीट हुए हैं। साइंस मैथ की बात की जाए 3C सेक्शन में है, यहाँ पर 66 से लेकर 195 तक के थे साइंस मैथ के क्वेश्चन, इनमें 1 प्रश्न डिलीट किया है, और @ सेट का क्वेश्चन है 90 या 90। तो यहाँ पर सेट थे 1, 2, 3, 8 सेट थे पूरे टोटल, तो 8 सेट में सबके अलग अलग क्रमांक दे रखे हैं। फिर आता है ET SCI एंड मैथ, इसको 4D सेक्शन में रखा गया है, और इसमें क्वेश्चन और क्रमांक है 126 से लेकर 135, और इसमें भी एक ही क्वेश्चन डिलीट किया है, और @ का क्रमांक है 129। फिर अगला है ET साइको 5E, इसमें क्वेश्चन कोई भी डिलीट नहीं हुआ है, 136 से लेकर 145 तक का सीरीज है, और यहाँ से एक भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ, सारे निल है। फिर आता है लास्ट का 6F IT, यह 146 से लेकर 150 तक का है, पूरा पेपर 150 क्वेश्चन तक का था, और इसमें भी एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, यानी सारे निल है। तो अब यहाँ देखा जाए तो कुल डिलीट प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो 3 यहाँ से है 1 यहाँ से 3 1 4 5, यानी कि 5 प्रश्न है जो डिलीट किए हैं, 5 प्रश्नों को डिलीट किया है।
और बाकी सारे प्रश्नों को ओके माना है। तो ये था हमारा रीट का डिलेट क्वेश्चनों की लिस्ट, और इसमें जिस फॉर्मूले का उपयोग किया गया है वो फॉर्मूला यहाँ दे रखा है, किस तरह से परसेंटाइल निकाली गई। तो सभी अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया जाए। तो टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट, तो इसमें टोटल ऑफ आर क्यू एंड के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू के एक्स इंटू के एफ बटे 3। तो यहाँ पर इस सिंबल है, इसका अर्थ होता है सम ऑफ मार्क्स इन ऑल सेक्शन सब्जेक्ट, यानी कि इसमें जो टोटल मार्क्स है सब्जेक्ट में वो कितने आए हैं ऑल सेक्शन में, इन 6 सेक्शन है, 6 सेक्शनों के टोटल नंबर को मिला करके यहाँ लिखना होता है। और आर क्यू का अर्थ होता है राइट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन सब्जेक्ट, यानी आर क्यू का मतलब है कि जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसमें राइट क्वेश्चन कितने हैं। फिर डब्ल्यू क्यू का मतलब होता है रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ ए पार्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, तो जो पार्टिकुलर सेक्शन इसमें रॉन्ग क्वेश्चन है। फिर के एफ बराबर के की फैक्टर, के एफ का अर्थ होता है की फैक्टर, यहाँ पे है मैक्सिमम मार्क्स बटे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो की फैक्टर में क्या लिखा जाता है, मैक्सिमम मार्क्स बटे टोटल ऑफ नंबर क्वेश्चन, फिर इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ए पार्टिकुलर सेक्शन बटे नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पार्टिकुलर सेक्शन। तो इसके आधार पर इसकी परसेंटाइल निकाली जाती है इस सूत्र का प्रयोग करके। तो राजस्थान में इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर परसेंटाइल निकालनी होती है। तो ये था हमारा साइंस मैथ का रिलेटेड क्वेश्चन, और आप इन क्वेश्चनों के मिला करके आप अपनी अपनी सेट में जाकर के देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और उन क्वेश्चनों में कोई कमी रही होगी इसी वजह से उनको डिलीट किया है, तो क्या कमी है यह आप देख लेना। आप वीडियो पर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।